वेल हे गाइस, एम टी पी राइडर अक्षत बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई था एंड मैं अक्सर अपने छत पे वीडियो बनाता हूँ। एंड गाइस, मैं कुछ दिन पहले एक स्प्रे पेंट लाया था सिल्वर कलर का, तो मैं सोचा भाई वेस्ट हो रहा था, मतलब ख़राब होने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई अपने साइकिल का जो फॉर्क है उसे पेंट किया जाए। तो आज का वीडियो वैसे के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं। भाई कॉपी हो गया, टेक्निकल गोजी का कॉपी नहीं करना है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अरे भाई भाई निकल जाए, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ मेरा साइकिल है एंड आप यहाँ पे देखो भाई, मैंने पीछे पहले ही से पेंट किया है, मैंने बस ट्राई किया था कि कैसा लगेगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आज इसको पूरा फिनिशिंग के साथ करेंगे एंड आप देखते रहो वीडियो को। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को फॉर्क बस पेंट करना है। आज बॉडी फ्रेम नहीं करूँगा मैं सोच रहा हूँ फ्रेम करूँ क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो पहले हम लोग फॉर्क करते हैं, तो फॉर्क को हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो कि काफ़ी ईजी रहता है, जिसका थ्रेडलेस हेड और स्टेम होता है उस वाले साइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है फॉर्क निकालना। लेकिन गाइस वो जो थ्रेडेड वाला होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ही ज़्यादा भाई मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है निकालने में। चलिए हम लोग पहले इसे निकालना शुरू करते हैं। निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसे बस लूज़ करना पड़ेगा ये तीन नट को, एंड उसके बाद काफ़ी ईजिली निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले उसे करते हैं एंड उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा एक 5 mm के एलन की। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भाई यूज़ रहता है ये 5 mm के एलन की, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। तो चलिए हम लोग पहले इसे ढीला करना शुरू करते हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये देखो भाई मेरा जो स्टार नट है यहाँ पे लगता है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये जो मेरा स्टार नट है वो बहुत ही गंदा तरीके से डैमेज हो चुका है, और क्योंकि मैं फोकस कर देता हूँ। देखो गाइस, ये जो स्टार नट है मेरा निकल चुका है बाहर एंड काफ़ी मैं साइकिल इसीलिए नहीं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि गाइस कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है एंड यह जो फॉर्क है वो कभी भी रास्ते पर ही अलग हो सकता है एंड काफ़ी सीरियस इंजरी का कारण बन सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड ये सब निकाल के उसके बाद मैं फॉर्क को अलग करता हूँ, उसके बाद टायर को अलग करता हूँ। तो गाइस, मैंने अपना फॉर्क यहाँ निकाल दिया है एंड यहाँ देखो फ्रेम है ये। एंड गाइस देखो, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सिर्फ यही एक स्टेप है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ देखो, यहाँ बॉल्स आपको दिख रहे हैं, बॉल बेयरिंग, तो यहीं को भाई इसी को सबसे दिक्कत होता है। जैसे आप जब भी निकालोगे फॉर्क तो आपका काफ़ी सारे बॉल्स गिर जाएंगे एंड आप देखो कुछ अंदर भी अटक के हुए अभी भी। देखो भाई अंदर भी एक दो बॉल अटक गए हैं, उसको भाई सही करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि भाई जैसे ही कोई भी लाइक बोलता है तो भाई डिसलाइक सबसे पहले करते हैं जनता लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, हम लोग अब इसका बस कैलिपर निकालेंगे एंड टायर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पेंट करना शुरू करेंगे सैंडिंग के साथ। तो गाइस, मैं फटाक से कैलिपर निकाल देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो गाइस, मैं सब फटाक से जल्दी अलग कर देता हूँ। सो गाइज, हमारा जो फॉर्क है वो देख सकते हो मैंने अच्छे से सैंड कर दिया है। एंड गाइज, मैं आप जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पे मेरे को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसे पहले ब्लैक किया था, अब मैं सिल्वर करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे पेंटिंग का, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, बिफोर पेंटिंग हम लोग को इसे जो ये सस्पेंशन का फॉर्क है ये आप देख सकते हो, इस पर हम लोग को मास्किंग कर देना है काफ़ी अच्छे से। तो मैं इसे फटाक से कर देता हूँ। सो गाइज, हमारा ये जो है काफ़ी अच्छे से मैंने इसे मास्क कर दिया है एंड अब हम लोग करते हैं पेंटिंग शुरू। सो गाइज, ये रहा हमारा पेंट एंड इसी से हम लोग को पेंट करना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पेंटिंग का।
हमारा फॉग जो है वो अच्छे से सूख चुका है एंड हम लोग इसे वापस इंस्टॉल करेंगे। एंड मील वाइल आप मेरा फ्रेम देख लो। तो गाइस इतना देर में मैंने अपने फ्रेम को ही पेंट कर दिया है, क्योंकि गाइस इस वाले में वीडियो में मैं दो वीडियो बना रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसका लिंक एंड इसका, तो आप भाई देख ही रहो। तो चलिए हम लोग पहले उसका मास्किंग हटाएंगे एंड यहाँ से मास्किंग हटाएंगे, उसके बाद हम लोग साइकिल को असेंबल करके आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। Okay, my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like dropping off of that rooftop. Hold my camera when I do not. Can make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all stuff. Standing there killing me, running my brain. Full of shame, I don't wanna lose shape. From the stage, wanna find my pain. My sister's coming out of that ring. My team, really my team, I'ma never stop.